अलाजी थोड़ा सा आपके राइट, अलाजी आपके राइट, क्या बात अलाजी आपके राइट ऑन राइट अलाजी अलाया सेंटर एक दो दोनों लीड का लेफ्ट
Noise, yeah. For this very amazing, for this very bindaas filmmaker. Anurag sir, welcome and congratulations. You know, hello. Almost प्यार हो रहा है डीजे मोहब्बत के साथ. तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो, ये जेन जी के लिए जो लेके आए हो आप, और पूरा स्पेक्ट्रम, यू नो, यू ऑलवेज कवर दैट, फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर टू ब्लैक फ्राइडे टू दिस, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. ये कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज इसकी जर्नी बताइए. ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है. वो जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब जब आपसे गुस्सा होते हैं, एक दिन मैसेज हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी, बोलती आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती मुझे, वो जोन में. एंड देन शी वॉन्टेड टू हैव अ चैट विद मी. ओके. एंड शी टॉक्ड एंड धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम ये अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है. वो ये जो जनरेशन है उसके बाद पैदा हुई, इनको एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसी ही है, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का. हम लोग रिप्रेस्ड टाइम्स आए थे, हम लोग के भी मतलब पहले सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का लड़की साथ में बैठे, तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. वो हमारे जमाने का है. ये जमाना बदल गया. दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड. लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं. तो वो जो वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एज यू सेड. लेकिन पहले होता था ना, घर वालों को बताना भी कि वो लड़की के संग क्या कर रहे थे, कहीं दिख भी गए तो वो जस्टिफाई करना पड़ा. आज के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप पूछो तुम क्या कर रहे थे उस लड़की का, तुमसे मतलब. नन ऑफ योर कंसर्न. I'm saying, वो जमाना बदल चुका है. राइट. यू नो मैवरिक्स के साथ ऐसे ही होता है. मतलब देखो, थोड़ा मनमुटाव हुआ, बेटी के साथ पिक्चर बन गई. हम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, डांट खाते हैं, कहां के कहां चले जाते हैं. यू नो देयर्स दिस जेंटलमैन जिनके साथ आपने जब जब कोलैबोरेट किया है, आग लगी है, बी इट देव डी, मनमर्जियां, एंड नाउ दिस, बिकॉज जेन जी इज यू नो फ्लिपिंग ऑन दीज ट्यून्स. द म्यूजिक इज ऑलरेडी आउट. तो मैं चाहूंगा आप ही प्लीज उन्हें इन्वाइट करें. द वन द ओनली एंड माई नॉट जस्ट माई फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर, he also has always been there, he is extremely supportive. Amit Trivedi, ladies and gentlemen, you know, main sahi batau, he is too young to be called a legend, lekin I think wo lagta hai ab saath mein. Amit bhai, congratulations on this. Abhi iska collar uth chuka hai. Main collar uth chuka hai abhi. Collar uth chuka hai, bilkul uth chuka hai. Amit bhai, first of all, you know, this gentleman here, you know, kitna cool quotient rehta hai jab Anurag Kashyap ki film mein music de rahe hote ho aap. मैं पहली बार 2007 में मिला था सर से, और 15 साल हो गए आज, 16 साल हो गए प्रॉब्ली, राइट, 16 साल हो गए. तो और जो फीलिंग तब थी आज भी सेम है, प्यार उतना ही है. और वो 2007 में जब मिला था पहली बार उनको देवड़ी का म्यूजिक सुनाने के लिए, मुझे याद है मैं अंदर इतना कांप रहा था, वाज सो स्केर्ड टू, अभी तो स्पेस बार दबाना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले इट लाइव, सारा कुछ रिकॉर्डेड था. वो स्पेस बार दबाने को ही मुझे बहुत वक्त लगा, आई वॉज लिटरली कांप रहा था मैं. एंड देन वो पहला गाना जब चलाया मैंने, दुनिया बड़ी गोल है, और उसके बाद से इट्स बीन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल राइड सिंस देन टिल नाउ. एंड वी कोलैबोरेटेड बॉम्बे वेलवेट, मनमर्जिया, देव डी, बीच में भी लव शब्द, चिकन खुराना, लव शब्द, खुराना, उड़ान, बहुत सारी फिल्में साथ में की. अब मतलब ड्रीम राइड है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ड्रीम राइड है फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी ह्यूमन बींग टू हैव अ करियर एंड अ राइड लाइक दिस, जहाँ पर आपको आपका मनचाहा, आपका मनचाहा काम करने मिल रहा है, भी खुली आज़ादी से, फुल फ्रीडम से. वो सिर्फ और सिर्फ वो सर के साथ ही हुआ है मेरा, 16 साल से चल रहा है और वो बस चलता रहे, बस श्योर आगे भी चलता रहेगा. देव डी, यू नो, पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक. और वो तुम तब, मुझे याद है मैं रेडियो चैनल में था और वो गाने बड़े हिसाब से चलाते थे. वो मैंने एक गाना चला दिया था, बाद में बॉस ने मेरे को बहुत हड़काया था. फाइनली जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने कहा था ना यही गाना है जो किल करेगा. यू नो हाउ वो अगर मैं आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार कूल डायरेक्टर है, कूल चीजें होने वाली हैं, या एज कंपेयर्ड टू अदर डायरेक्टर्स? सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस डे वन से अलग ही रहा है. इट्स नेवर बीन with any other director. Right. हमारा प्रोसेस आई थिंक एक बन गया है, बहुत फ्री फ्लोइंग सा बन गया है कि he just tells me a brief of what the film is and then he lets me be. मतलब 6 महीने के लिए then he disappears from my life. And literally that's been happening Devdi से लेके अब तक. And वो 6 महीने में whatever I have gathered, जो भी information I have gathered from sir, उसको
मल करके उसको मतलब अपने दिमाग में रख के आई जस्ट डू एनीथिंग ऑनेस्टली आई जस्ट डू एनीथिंग दैट आई फील लाइक एंड इट जस्ट एंड ही कम्स एंड ही इट जस्ट सिट्स इट ब्यूटीफुली सिट्स इट्स अ फ्री फ्लोइंग प्रोसेस इट्स अ ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑर्गेनिक इज द वर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेस बिकॉज हर आदमी अपना बेस्ट ही करना चाहता है अगर बेस्ट नहीं करना चाहता तो आप उसको ले क्यों रहे हो और जहां तक बेस्ट करने की बात है मैं भी वो बेस्ट कर लूं जिसके लिए मुझे बुलाया बड़ा ऑर्गेनिक सा है सर यहां पे जितने सारे लोग बैठे हैं यू नो दे वुड वांट ऑफ कोर्स दे वुड वांट यू टू सिंग अ कपल ऑफ लाइन सर कोई भी जो फेवरेट आई नो बड़ा ऑर्गेनिक सा है मेरे को लेकिन करना पड़ेगा अमित भाई एक दो लाइन तो बनती है जो इस पूरे जूक बॉक्स में जो कि ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो गया है उसमें जो सबसे फेवरेट है रिक्वेस्ट आ रही है वाह कमाल है गंगोर कनेक्शन ऐसी है मेरी सिचुएशन जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम इंटेंस बड़ा ही है यारा ये तेरा मेरा तेरा घंगोर कनेक्शन तूने रखी थी पहले कंडीशन तुझे देखा 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 जागा इमोशन सचमुच बड़ा सिक है यारा ये तेरा मेरा तेरा घंगोर कनेक्शन ओ कनेक्शन कनेक्शन ये कनेक्शन जो आपका ऑडियंस के साथ है ना ये भी बड़ा घनघोर है और आई एम श्योर ये ऐसे ही रहने वाला है सो विथ योर काइंड परमिशन नाउ इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर ओके वो कर लेते हैं हाँ कर लो है ना ठीक है सर ने कह दिया हाँ कर लो तक लिया जाओ तुम लोग चलाते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू अमित भाई थैंक यू अनुराग सर ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल मूवी फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत अलोंग विद अमित त्रिवेदी सर जोरदार तालियां फॉर दीज वंडरफुल वंडरफुल पीपल एंड ऑन दैट नोट हमारे सलोनी अम्मी को बुलाने की बारी आ गई है तो गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस द वेरी टैलेंटेड अलाया एफ लेडीज एंड जेंटलमैन ये मेक सम नॉइज था थोड़ा तो मतलब यार कम ऑन यार व्हाटएवर आफ्टर व्हाटएवर वी सॉ ऑन द बिग स्क्रीन कंग्रेचुलेशंस दिस वाज ऑसमनेस वी लव्ड इट एंड थैंक यू यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ये सलोनी अम्मी अवतार में ये जो ढली हो आप ये किसको देख के ढली हो कहां से आया ये कैसे प्रेप किया इसके लिए एक्चुअली सलोनी अम्मी अमृता का टिकटॉक पर्सनैलिटी है तो आई एम नॉट एक्चुअली टिंग टोंग पर्सनैलिटी है सॉरी टिकटॉक नहीं है टिंग टोंग पर्सनैलिटी है तो एक्चुअली जो डायलेक्ट और सब है सलोनी अम्मी का मैंने अनुराग सर को बहुत बार पूछा आई वाज लाइक अनुराग सर व्हाट प्रेप डू हाउ डू आई प्रेप फॉर दिस एंड ही वाज लाइक Amrita is also natural. She doesn't have that dialect. Right. Don't stress about getting it natural. I was like, when people see it, they'll be like, "Kya hai?" But I think you know, just trusting Rahul, Anurag sir at every. Also, Rahul Badwelkar. Yes. Yes. Is from Bhopal. And Saloni Ami is inspired by someone really. It's from yeah. Saloni. Right. Okay. Correct. Nazma. Nazmi. Napi. Yes. So So yeah, it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor. Right. Because we're playing multiple. Okay. Let's confirm karna tha. So we're playing two different. Karan and I both are playing two different characters. So totally there are four characters in the film, and then with Ammi, I have a third character to play. Right. So it's been quite an experience. Yeah. And yeah. As Anurag sir was talking about our daughter-father relationship, yeah. Yahan pe, how was this relationship with these wonderful, wonderful people? Of course, Amit sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you know, Ji. After Jawani Jaane Man, jahan pe ek achhi si daughter bane ho aap, uske baad abhi kuch din pehle, negative nahi bol sakta main, unko to grey shades wali, you know, aap bani thi Freddy mein. Aur abhi yahan pe, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. अनुराग सर के बारे में क्या ही बोलूं तारीफ मत करना थोड़ा सा ना कुछ ऐसा दे दो जो छप जाए हर जगह अरे बट आई हैव नथिंग बट तारीफ टू से ऑनेस्टली जब मैं अनुराग सर से मिली थी वो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को जवानी जाने मन से पहले ही साइन किया था दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट फिल्म आई थिंक आई साइन दिस फिल्म व्हाट 5 इयर्स अगो ना 4 इयर्स अगो 2018 5 years ago. तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी बहुत मीटिंग्स कर रही थी बहुत ऑडिशंस दे रही थी मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे थे एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री डू आई हैव व्हाट इट टेक्स एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई मेट अनुराग सर
एंड ऑन एन इंस्टिंक्ट मैंने एक रील बनाई थी एंड सीइंग दैट रील 7 minute रील इट वॉज वॉच्ड विद फुल फोकस और 7 minute के बाद ही लुक्ड एट मी ही सेड आई हैव अ फिल्म दैट्स परफेक्ट फॉर यू ही इज लाइक विल यू डू माई फिल्म एंड दैट जस्ट गेव मी दिस इनक्रेडिबल सेंस ऑफ बिलीफ इन माई सेल्फ दैट समवन दैट्स नोन फॉर स्काउटिंग आउट टैलेंट एंड नर्चरिंग टैलेंट has seen something in me. I was like, my God, what is this? I was actually prepared to send her back. Yeah. When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. As if teri film mein banata hu, you know, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So thank you for all the confidence you gave me. My good bachcha. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Thank you. Hai na? Yeah, pun intended. All right. So now, ladies and gentlemen, it's time to introduce to the world of Indian cinema, this super cool insan, jisko introduce kiya hai, imagine Anurag Kashyap ne apni film mein liya hai, talent ki to khani hoga ye insan. Give it up for Karan Mehta, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for this wonderful, wonderful person. Jinke jalwe already dekh liye humne. Karan, congratulations and welcome to movies. I take this opportunity of saying that to you. You know, when it's your first movie and that too, जिसको डायरेक्ट किया हो अनुराग कश्यप साहब ने लिखा भी उन्होंने हो तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है बहुत एक्साइटमेंट है सर ऑनेस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुराग सर के साथ पिक्चर करूँगा बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था तो एक्चुअली मैं क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त शॉर्ट फिल्म बनाते थे साथ में तो हमने बहुत सारी बनाई कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को उनमें से एक अच्छी बन गई थोड़ी और हमने यूट्यूब पर डाल दिया तो इनकी बेटी है अलाया आलिया आलिया उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई और मैं एक्चुअली मैं बाथरूम में था ठीक है बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया कि जो अनुराग सर है उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वॉन्ट्स टू मीट यू मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा बाहर क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं एंड नाउ आई थिंक वी आर हियर ट्रेलर लॉन्च लेकिन वो काफी साल समय लगा 6-7 साल सर क्या होता है मतलब व्हाट इज इट दैट यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप व्हाट इज दैट वन थिंग आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज बिकॉज़ यू आर टू मॉडेस्ट टू टॉक अबाउट इट यू नो सी आई थिंक पीपल गिव मी देयर बेस्ट इट्स आई डोंट टेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीवन दे गिव मी देयर बेस्ट बिकॉज़ आई लेट देम बी देयर बेस्ट राइट सो मैं कुछ नहीं करता हूं प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं उसको उभरने नहीं देते वैसा कुछ नहीं मैं कोई जादू नहीं करता हूँ कोई जादू नहीं करता मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूँ सो आई डोंट टेल एनीवन व्हाट टू डू एंड बाकी नर्चरिंग मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है बहुत मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5 या 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है लिखी होती है तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए तो पहले ये मेरे को 2016 में ये मिला 2018 में वो मिली जब वो मिली तब मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया छोड़ दिया ये स्पेस जो है जब इसके पास बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करे तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ और फिर इसके साथ भी मिला इसको होमवर्क दिया 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया पार्कोर किया 3 साल पार्कोर किया सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए क्या क्या सीखना है मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है आजा मेरे सेट पे असिस्ट भी कर लेता था So that's how I work with Alaya also. I give them and let them be. Right. और ऐसा कोई control नहीं है Alaya के साथ ऐसा जब इनकी जवानी जाने मनाई थी मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए that you have to introducing types. काम मिल रहा है काम करो तो वैसा होता था और उस space में ये लोग अपने आप ही निखरते हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है I always believe that people want to do their best. मैं बता दूं सर इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है दिस इज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है छोड़ा है जो है वो सबके सामने आना चाहिए एंड दैट्स व्हाई योर मूवीज आर डिफरेंट आपने का कोई जादू नहीं करता जादू करते हैं आप बड़े पर्दे पर सर ये मैं बता दूं यहां पे सब लोग मानेंगे इट्स टाइम टू इन्वाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन रंजन सिंह साहब एंड कबीर आहूजा गिव इट अप फॉर देम प्लीज अच्छा मिक्स मैच ये जो सिनेमा हॉल जहां पे हम बैठे हैं ये रंजन सिंह ने ही शुरू किया था सालों साल पहले और पहली बार कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं फाइनली यू नो वी गेट टू सी दिस ऑन द बिग स्क्रीन यू नो गेटिंग दीस टू वंडरफुल वंडरफुल पीपल एंड दिस अमेजिंग फ्रेश कास्ट व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी यू नो आज के समय में स्केप्टिकल कि भाई फ्रेश कास्ट होगी क्या होगा कैसे होगा लेकिन यहां जो देखा है बिल्कुल जेन जी की ट्यून के साथ चल रहा है व्हाट डू यू हैव टू से एक्चुअली व्हाट यू हैव बीन सेइंग इज द राइट थिंग एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनिक राइट
सो जैसे सर ने बोला 2016 में करण मिले, फिर अलाया, फिर म्यूजिक, वैसे हम प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही मिले इस राइट पे. सो वी जॉइन द लास्ट, बट लाइक यू सेड एवरीथिंग इज टर्न आउट सो ऑर्गेनिक फॉर दिस फिल्म एंड व्हाट इज कम आउट ऑन द स्क्रीन इज दैट ओनली. इट्स प्योर, ऑनेस्ट एंड ऑर्गेनिक. राइट, सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से. राइट सर, देयर इज अ लॉट ऑफ बज इस फिल्म को लेके, बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से टीजर आया और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है. द सॉन्ग्स आर आल्सो आउट, यू नो, जुकबॉक्स है, उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है. हाउ डू यू सी इट रिलीज के पहले? आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी आर फाइनली गेटिंग इट आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी टू रिलीज इट. आई आल्सो केम इन द एंड, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई मीन व्हाट कुड बी बेटर देन हैविंग हिम एंड हिम एज बी पार्ट ऑफ माय फर्स्ट मूवी. आई वाज जस्ट टेलिंग हिम that I remember listening to the Devdi soundtrack for 8 years in my car. So it's just, I'm just lucky. So I'm excited and nervous. हम लोग की फिल्म ऐसी होती है, लोग मिलते रहते हैं, कारवां बढ़ता जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये कारवां आगे लेके गए, इसके पीछे एक और नाम है. He definitely understands his audience, ladies and gentlemen. Head करते इस production studio को, Zee Studios से शारिक पटेल साहब, जोरदार तालियां हो जाए please. Zee Studios is famous for creating revolutionary content और redefine किया है entertainment space को, एक बार नहीं बार बार. And Shahrukh sir, अब तो global platform की अगर मैं बात करूँ, international level की बात करूँ, Zee Studios is acknowledged everywhere across the globe. How do you see this movie अपनी filmography में, जबकि इतनी सारी languages, इतने सारे channels को एक साथ लेके चल रहे हैं आप? It's a young fun. I mean, it's a young. I won't call it fun. It is partly fun, but it's a young film with an exciting star cast and fantastic directors, fantastic director, music composer. So it's a very important film in our slate. Right. और ये जो कारवां ये बोल रहे थे, सबसे एंड में इंजन चल रहा था, लास्ट बोगी हम ही लोग हैं. Right. और वो एंड वाली बोगी से अब हम लोग है ना धक्का मार रहे हैं आगे, bringing it to the theaters. It's obviously a film we are all very excited by. The songs are doing wonderfully. Yeah. And you know, fresh, new, young cast, talented team. So we are all excited and fingers crossed. February 3rd. I'm sure, sir, कुछ तो धमाल करेगी. आप please बोलें, आपका process भी कुछ ऐसे ही था जैसे अनुराग सर ने कहा कि ठीक है, फालतू pressure नहीं करते हुए जो चीजें हो रही हैं होने दो organically. So with you also, was it like that? Because as you said, you came in the end. Yeah. So we're working with Anurag, another wonderful movie called Kennedy, which will be showcasing to the audiences and the world, I think, in the next few months. Right. And that was also a very organic process of हमने भी छोड़ दिया इनको कि जैसे ये artist को छोड़ते हैं, हम है ना director को छोड़ देते हैं कि अब आप है ना बना करके लाओ. तो while we were in the process and you know on those edits and those meetings, he said ये picture है हमारे पास, आप बताइए क्या करना है. तो I said हम लोग release कर देंगे. We had the satellite and the music in any case. So we said let's it's a relationship which even though Kennedy was the first one we signed, but this is the first or the second of many more to come, and wow, there'll be more associations going forward. With Amit, we had just done Rocket Gang with, yes, Bosco, so you know, so we are working with the finest talent that is there, and the studio becomes, you know, is a culmination or the aggregation of the talent you work with. Yaar, hum log hai na khud to you know kar nahi sakte hain sab. So you know, ideas to find the right partners and let them do what they're supposed to do, and you know, everyone grows with that. Right. Thank you so much for sharing that. Is dream team ke liye ek bar taaliyan ho jaye please. Ab yahan pe ek sawal jiska jawab har koi janna chahta hai, koi bhi aap mein se de sakta hai. DJ Mohabbat kaun hai? Who is main? Main hu. Shahrukh sir, why do you think we approved this? I'm DJ Mohabbat. Okay. So DJ Mohabbat कौन है वो पता लग गया हमें. बाकी इट्स ओवर टू द वंडरफुल वंडरफुल मेंबर्स ऑफ द मीडिया. आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं. उससे पहले वील डू अ क्विक फोटो ऑप. या